हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पेटीएम अकाउंट कैसे बनाए, क्योंकि 2023 में पेटीएम अकाउंट बनाने का तरीका बदल गया है, एक नया अपडेट आ चुका है। तो अब आप 2023 में पेटीएम अकाउंट कैसे बनाएंगे और पेटीएम अकाउंट बनाने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हाउ टू यूज पेटीएम, यानी आप पेटीएम एप्लीकेशन को कैसे यूज करेंगे, पेटीएम से आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि रिचार्ज करना, किसी को पैसे भेजना, किसी से पैसे रिसीव करना, या फिर क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करना, और पेटीएम अकाउंट क्या है, और पेटीएम में डेबिट कार्ड क्या है, पेटीएम वॉलेट क्या है, यानी पेटीएम में आपको जितनी सारी सुविधाएं मिलती हैं उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में आपको प्रॉपर वे से छोटी सी छोटी चीज़ भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप पेटीएम से क्या क्या कर सकते हैं। घर बैठे आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, एक पेटीएम एप्लीकेशन की मदद से आप सब कुछ अपना सारा काम कर सकती हैं। तो पेटीएम से आप सब कुछ कैसे करेंगे ये सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को कंप्लीट पूरा जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो पेटीएम के बारे में आपको सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूँ, साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि पेटीएम से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, पेटीएम से आप पैसे भी कमा सकते हैं, पैसा ट्रांसफर करके, यानी आपके अकाउंट में अगर पैसा है तो उसे आप ट्रांसफर करके उससे पैसे भी कमा सकते हैं। और पेटीएम कैसे यूज करती है, मतलब क्या क्या सर्विसेस हैं, पूरा मैं फुल ट्यूटोरियल आपको इस वीडियो में पेटीएम का देने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो ये सब कुछ मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपके अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैं आपको सिंपल वे, एकदम आसान तरीका बताने वाला हूँ, जिससे कि आप अपना पेटीएम अकाउंट भी बना सकते हैं और उसको यूज भी कर सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में पेटीएम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है। पेटीएम एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसे आप ओपन करेंगे, मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ही आपसे कह रहा है लॉगिन और क्रिएट न्यू अकाउंट, यानी अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप उसे यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करेंगे। आप अगर पहली बार अपना पेटीएम अकाउंट बना रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, जिस पर कि ओटीपी भेजा जाएगा, उसी के जरिए से आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर डाल देना है, और मोबाइल नंबर डालने के बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ठीक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर डाल दिया, और मोबाइल नंबर डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर से ये आपसे परमिशन मांगे तो उसको ओके कर देंगे, ठीक है। ओके करने के बाद ये आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, देखिए आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर मुझे ओटीपी भी आ चुका है, ठीक है। और अब आपसे कुछ भी नहीं करना, ओटीपी अपने आप इसमें ऑटोमेटिक आपको पेटीएम में लॉगिन कर दिया जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा पेटीएम एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, ठीक है। और इसमें आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको यूपीआई मनी ट्रांसफर करने के लिए आपको चार सर्विसेज दी गई हैं, उनको आप कैसे यूज करेंगे, आपको क्या करना है, कैसे पैसा भेजेंगे, कैसे रिसीव करेंगे, ये सब कुछ मैं अभी आपको इसमें करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको पेटीएम एप्लीकेशन यूज करने के लिए, जैसे कि आपको पैसा भेजने के लिए और पैसा रिसीव करने के लिए, इसमें आपको एक बैंक अकाउंट ऐड करना होगा, ठीक। कम से कम आपको एक बैंक अकाउंट ऐड करना होगा, ज्यादा आप चाहे कितने भी कर सकते हैं, ठीक है। तभी उससे क्या है कि आप पेमेंट भी, पैसा भेज भी सकते हैं और पैसा रिसीव भी कर सकते हैं। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, आपको ऊपर थ्री डॉट का आइकन मिल जाता है, तो सिंपल भी आप इस पर एक बार क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करें तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है लिंक बैंक अकाउंट, सबसे पहले आपको इसमें एक बैंक अकाउंट ऐड करना होगा, ठीक है, तभी आप पेटीएम को यूज कर सकते हैं, उसमें आप पैसा भी भेज सकती हैं और पैसा भी रिसीव कर सकती हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए आपको लिंक बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको अब आपके सामने सारी बैंक अकाउंट आ जाएंगे। एटीएम में बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि आपके पास जो मोबाइल नंबर है वो किसी एक बैंक अकाउंट में लिंक होना चाहिए, किसी एक बैंक अकाउंट में लिंक होगा तभी आप उस बैंक अकाउंट को पेटीएम में ऐड कर सकती है। तो आपका मोबाइल नंबर जिस किसी भी बैंक अकाउंट से लिंक है उस बैंक को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारी बैंक आ चुकी है, ठीक है। तो मुझे अपना यहाँ पर एक बैंक अकाउंट ऐड करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक बैंक सेलेक्ट करूंगा, तो मेरा बैंक अकाउंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है, ठीक है। तो मैं अपने बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करेंगे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर वेरीफाई हो रहा है, और मेरा मोबाइल नंबर सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है सक्सेसफुली, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है
चेक बैलेंस में यहाँ पे बैलेंस भी चेक कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर आप और बैंक अकाउंट ऐड करना चाहती है तो उसके लिए आप ऐड अदर बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से फिर से वही पेज ओपन हो जाएगा आपको, जिसमें जो भी बैंक अकाउंट ऐड करना है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी बात को यहाँ पर गौर से समझना, आपको यहाँ पर बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अब मैं यहाँ से आ जाता हूँ बैक, ठीक है। बैक करने के बाद मेरा एक बैंक अकाउंट इसमें सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मेरी बात को यहाँ पर गौर से समझना। आपको बता दूं कि अगर जैसे आप फर्स्ट टाइम अगर अपने पेटीएम में बैंक अकाउंट ऐड करेंगे तो वहां पर वो आपसे कहेगा कि आपको यूपीआई पिन भी सेट करना होगा, जो कि मेरे में ये ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि मैं अपना यूपीआई पिन पहले ही सेट कर चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आपसे कहेगा कि यूपीआई पिन सेट करें तो वहां पर ये आपसे आपके एटीएम कार्ड के लास्ट 6 अक्षर मांगेगा, एटीएम कार्ड पर जो नंबर लिखा होता है उसके लास्ट 6 अक्षर मांगे तो वो आपको वहां पर डाल देनी है और फिर ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आप उसमें नया पिन सेट कर सकती हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना, मेरी बात को यहाँ पर गौर से समझना। अब मैं यहाँ से आ जाता हूँ बैक। अब देखिए आपका पेटीएम अकाउंट सक्सेसफुली बन चुका है, आपका पेटीएम एप्लीकेशन भी ओपन हो गया, अकाउंट भी क्रिएट हो गया और आपका एक बैंक अकाउंट भी ऐड हो गया है, ठीक है। जिससे कि अगर आप पैसा भेजेंगे तो आपके बैंक अकाउंट से कट हो जाएंगे जो कि आपने इसमें ऐड किया हुआ है, ठीक है। उस बैंक अकाउंट से आप पैसा भेज भी सकते हो और उसमें रिसीव भी कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा बंदा सामने से अगर आपको पैसा भेजेगा तो आपके इसी बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, ठीक। अब आपको क्या करना, मेरी बात को यहाँ पर गौर से समझना। आपको यहाँ पर यूपीआई मनी ट्रांसफर के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, इनका अलग अलग काम है और इनको कैसे यूज करना है, मेरी बात को एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना, ठीक है, जिससे कि आपके अच्छी तरह समझ में आए। अब आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है सबसे पहले स्कैन्स पे। इसका मतलब क्या होता है पता है, समझो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा आप किसी भी दुकान पर जाते हैं या फिर किसी भी क्लॉथ स्टोर पर या मार्केट में कहीं भी जाते हैं तो आजकल हर दुकान पर एक क्यूआर कोड लगा होता है, ठीक है। तो अगर आप क्यूआर कोड को स्कैन करके अगर आपको पेमेंट करना है, जैसे वो क्यूआर कोड को आप स्कैन करके उसके अकाउंट में पैसा डालने चाहते है तो उसके लिए आप इस पर फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। आप जिस भी क्यूआर कोड को स्कैन करके उसके अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हो उस क्यूआर कोड को आप यहाँ पर स्कैन कर लेंगे तो इसके जरिए से भी आप पैसा भेज सकते हैं, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाता है टू मोबाइल नंबर। जैसे कि अगर आपको किसी के अकाउंट में पैसा भेजना है और उसको अगर आप मोबाइल नंबर के थ्रू पैसा भेजना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा एंटर योर मोबाइल नंबर। अगर आप किसी को मोबाइल नंबर के थ्रू पैसा भेजना चाहते हैं तो आप इस वाले पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं एक अपने फ्रेंड को पैसे भेजना चाहता हूँ तो मैं उसका यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और मोबाइल नंबर से आप पैसा भेज सकते हैं। तो मैं यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। देखिए मैं अपने फ्रेंड के अकाउंट में पैसे भेजना चाहता हूँ जिसका मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया। मोबाइल नंबर के डालने के बाद आपको सिंपल वे इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसका अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये मोबाइल नंबर जिस अकाउंट में लिंक होगा उस अकाउंट में उसके पैसे पहुंच जाएंगे, जो कि मैं पहले भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर चुका हूँ, वो आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। और अगर आप पैसा भेजना चाहते हैं मोबाइल नंबर के थ्रू तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है पे, तो सिंपल भी आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करें आपसे यहाँ पर पूछिए आप कितने रुपये भेजना चाहते हैं, उतने रुपये आप यहाँ पर डाल देंगे। तो मैं आपको 1 रुपये भेज के दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक डाल दिया, एक डालने का आप 1 रुपये से लेके 1 लाख तक भेज सकते हैं, उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। 1 रुपये डाल दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे आपके जितने भी बैंक अकाउंट आपने ऐड किए हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मैंने अभी आपके सामने एक बैंक अकाउंट ऐड किया जो कि यूनियन बैंक का है, ठीक है। तो मैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको पे पर एक बार क्लिक करना है। जैसे आप पे पर क्लिक करें तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपने यूपीआई पिन सेट किया हुआ है अपने बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन, ठीक है, उस यूपीआई पिन को आपको यहाँ पर डालना होगा। तो मैं अपना यूपीआई पिन डाल देता हूँ, ठीक है। और जैसे आप यूपीआई पिन डाल रहे हैं उसके बाद आप सही पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में, और अगर पैसा आप उसके अकाउंट में पहुंच जाएंगे तो आपके सामने ये वाला आइकन छपके आएगा, देखिए पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। अगर ये वाला निशान आ जाए सही तो आपके खाते से 1 रुपये कट के उसके अकाउंट में पहुंच चुका है, ठीक है। और ये एक बार अगर पेमेंट हो जाता है तो पेमेंट वापस नहीं किया जा सकता, ये बात आपको याद रखना है। आपको पेमेंट करना है तो सोच समझ के करें, क्योंकि एक बार अगर आपने पैसा भेज दिया तो वो वापस नहीं आ सकता, ठीक है। जब तक सामने वाला पर्सन आपको खुद पैसा नहीं भेजेगा तब तक आप उस पैसे को वापस नहीं कर सकते, ठीक है। अब मेरी बात को यहाँ पर गौर से समझना। अब आपको क्या करना, और देखिए जैसे कि अगर आप पेटीएम से किसी भी सामने वाले पर्सन को अगर पैसा भेजते हैं, ऐसे पैसा ट्रांसफर करते हैं या मोबाइल नंबर के थ्रू या फिर क्यूआर कोड के थ्रू, यानी कैसे भी मान लो अगर आप पैसा भेजते हैं पेटीएम से, तो पेटीएम इस पर आपको कैशबैक देता है। तो कैशबैक देखने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है कैशबैक।
जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी 1 रुपया भेजा हुआ है तो इस पर मुझे कैशबैक मिला है। कितना मिला है अभी देखते हैं। उसके लिए आप कैशबैक पर क्लिक करेंगे, ठीक है। कैशबैक पर क्लिक करें तो देखिए यहाँ पर ये वाला इंटरफेस दिखाई देगा और ये मुझे वाउचर मिले हुए हैं जो कि मैं पहले भी पेटीएम से बहुत सारे पेमेंट कर चुका हूँ, तो ये वाउचर मिले हुए हैं मुझे। इसको देखने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से स्कैन कर ऐसे साफ करेंगे तो देखिए यहाँ पर मुझे 5 कैशबैक पॉइंट मिले। पेटीएम में क्या होता है कि आपको कैशबैक पॉइंट दिए जाते हैं और ये कैशबैक पॉइंट आपके अकाउंट में जमा हो जाती है और इन कैशबैक पॉइंट को आप बेच के यानी कैशबैक पॉइंट को पेटीएम को बेच के उससे पैसे मिलते हैं और ये कैशबैक पॉइंट्स आपके अकाउंट में जमा हो जाती है। देखिए मैं आपको दिखा दूं, मुझे पहले भी बहुत मिले, अभी मेरे पेटीएम में देख सकते हैं आप 727 कैशबैक पॉइंट है जैसा कि आप देख सकते हैं और मेरे पास 27 वाउचर है। अगर मैं चाहूँ तो इनको बेच के पैसे कमा सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से ये तो बात होती है कैशबैक की, अब यहाँ से आती है बैक, तो अब देख सकते हैं फिर से हम यूपीआई के होम पेज पर आ चुके हैं पेटीएम के। अब यहाँ पर मेरी बात को यहाँ पर गौर से समझना, क्योंकि अगर आप एक भी पॉइंट मिस करेंगे तो पेटीएम आप नहीं समझ पाएंगे, नहीं यूज कर पाएंगे, तो मेरी बात को गौर से समझो। अब आपको थर्ड ऑप्शन मिल जाता है टू यूपीआई एप्स, इसका मतलब क्या होता है जानते हो? जैसे कि आप अगर पेटीएम यूज करते हो और अगर आप जिस सामने वाले पर्सन को पैसा भेजना चाहते हैं वो अगर फोन पे यूज करता है या फिर अगर गूगल पे यूज करता है फिर भी आप उसको पैसा भेज सकते हैं, उसके लिए पेटीएम आपको इजाजत देता है। आपको कोई टेंशन नहीं है कि सामने वाला बंदा क्या यूज करता है, अगर वो गूगल पे यूज करता है या फोन पे, तो आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद देखिए आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपको अगर वो आपको पैसा भेजना है उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे एंटर मोबाइल नंबर और एनी यूपीआई ऐप, इस पर क्लिक करके आप आसानी से पैसा भेज सकते हैं और चाहे वो फोन पे यूज कर रहा हो या फिर पेटीएम यूज कर रहा हो या गूगल पे, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका पेमेंट 100% सक्सेसफुली होगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपको मिल जाता है एंटर यूपीआई आईडी, अगर जैसे कोई यूपीआई आईडी देता है अपनी, जैसे कि आपने देखा @ लिखा होता है और पीछे लिखा होता है कोई भी फिनो बैंक या कुछ भी हो, तो यूपीआई आईडी अगर कोई आपको देता है तो आपको वो यहाँ पर डालनी और उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट का प्रोसेस सेम वही रहने वाला है, पहले आपको रुपए टाइप करने उसके बाद आपको यूपीआई पिन डालना है, ठीक है। यहाँ से आ जाते हैं बैक, अब फिर से आप देख सकते हैं मैं फिर अपने होम पेज पर आ चुका हूँ और अब मैं आपको बता दूं आपको फोर्थ ऑप्शन मिलता है टू बैंक अकाउंट और सेल्फ अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है जानते हो? इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपके अकाउंट की जो पासबुक होती है, पासबुक जिस पर कि पैसे की एंट्री होती है, वो वाली पासबुक अगर कोई आपको भेजता है कि इसमें मेरे पैसे डालने हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, चौथे ऑप्शन से आप उसमें ही पैसे डालें, उसके लिए आप फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी बैंक आ जाएंगी। अब जैसे आप सामने वाले बंदे को पैसा भेज रहे हैं उसका बैंक अकाउंट कौन से बैंक का पासबुक है, जैसे SBI का पासबुक है तो SBI सेलेक्ट करेंगे। इतना करने के बाद उसका बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे जो कि पासबुक पर लिखा हुआ होता है, उसके थ्रू भी आप उसे पैसा भेज सकती हैं, ठीक है। ये तो हो गए पैसा ट्रांसफर करने के लिए चार ऑप्शन, ये चारों अलग अलग दिए गए हैं, उनके आप चारों अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं जो कि मैंने आपको लाइव बताया, ठीक है। अब आपको आपको अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करना है कि आपके अकाउंट में कितने रुपए हैं या फिर किसी ने रुपए डाले हैं या नहीं डाले हैं या आपने किसी को पेमेंट किया, ये चेक करना है तो उसके लिए आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है बैलेंस स्टोरी, तो सिंपल भी आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करें तो यहाँ पर देखिए आपके जितने बैंक अकाउंट लिंक हैं वो सारे आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे और आप चेक बैलेंस पर क्लिक करके आप यहाँ से बैलेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जैसे आपने अपने अकाउंट तक कितने ट्रांजेक्शन किए हैं, अगर आपने किसी को पैसा भेजा या किसी ने आपको भेजा है तो वो सारे आपको यहाँ पर नीचे शो होंगे, यहाँ पर लिखा पेमेंट स्टोरी, इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो देखिए आपके अकाउंट से जितने सारे ट्रांजेक्शन किए हुए हैं वो सारे आपको यहाँ पर शो होंगे। आपने अगर किसी को पैसा भेजा है तो वो यहाँ पर माइनस शो होगा जैसा कि आप देख सकते हैं, और कोई अगर आपको भेजेगा तो यहाँ पे प्लस होगा, तो आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से आ जाता हूँ बैक, और देखिए दूसरा ऑप्शन है पेटीएम बैंक, इसके क्या होता है पता है? ये होता है पेटीएम पेमेंट बैंक, जो कि पेटीएम एप्लीकेशन है, ये खुद आपको एक बैंक अकाउंट देता है जिसके लिए आपको KYC करानी पड़ती है पेटीएम की अपने आधार से, आधार बायोमेट्रिक के थ्रू आपको KYC करानी पड़ती है और ये KYC आपके जनसेवा केंद्र पर की जाती है जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में बंद है, क्योंकि पेटीएम के यूजर्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं तो पेटीएम के पास इतने बैंक अकाउंट नहीं है कि वो लोगों को दे सके, इस वजह से पेटीएम KYC भी बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से आप पेटीएम बैंक और पेटीएम वॉलेट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए आपको कोई भी समस्या नहीं है, आप अपना इसमें एक बैंक अकाउंट ऐड करेंगे जैसे मैंने आपको बताया और उसी से आप पेटीएम यूज करेंगे, पैसा भी भेज सकते हैं और पैसा भी रिसीव कर सकते हैं जो कि मैंने आपको लाइव करके दिखाया, ठीक है। और अगर आप पेटीएम में लोन लेना चाहें, जी हाँ सही सुना आपने,
तो आप लोन भी ले सकते हो। उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट अप्लाई करके लोन भी ले सकते, और आप इसको स्क्रॉल करेंगे। और अगर आप मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं, चाहे किसी का भी, अपना या पर अपने परिवार का या फिर किसी का भी, तो उसके लिए आप मोबाइल रिचार्ज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है एंटर योर मोबाइल नंबर। आपके जिस किसी को भी रिचार्ज करना चाहते हैं उसका आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद फिर सिम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी सिम है, एयरटेल या वीआई या फिर जियो, और उसके बाद आप उसे रिचार्ज कर सकते हैं। आपके सामने बहुत सारे प्लान आ जाएंगे, आप जिसे भी रिचार्ज करना चाहे जितने का वो आसानी से कर सकते हैं, पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट होगा, ठीक है। और देखिए, अगर डीटीएच रिचार्ज आप करना चाहते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना चाहते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना चाहते हैं, यानी पेटीएम में आपको बहुत सारी सर्विसेज मिल जाती है। इतनी सर्विसेज हैं कि अगर मैं आपको अभी से बताना स्टार्ट करूँ तो रात हो जाएगी, पर मैं पेटीएम की सर्विस नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसमें आपको सारी सर्विसेज मिलती है। अब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पर आप टिकट भी बुकिंग कर सकते हैं, जैसे फ्लाइट टिकट बुक करना या फिर बस टिकट या ट्रेन टिकट या मूवी टिकट। अगर आपको इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं ये सारी चीज भी आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे इसमें आपको सारी सर्विसेज मिल जाती है, आप कुछ भी कोई सी टिकट बुक कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। और अगर आपको कैशबैक देखना है अपना, तो नीचे ऑप्शन मिल जाता है कैशबैक ऑफर, इस पर क्लिक करके आप ये देख सकते हैं आपको कितने वाउचर्स मिले हैं, कितने कैशबैक पॉइंट मिले हैं, कितने आपको कैशबैक मिला है, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको लाइव करके दिखाया, ठीक है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे पेटीएम में इतनी सर्विसेज हैं कि आप खुद ही देख सकते हैं, मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, बहुत सारी सर्विसेज मिल जाती है इसमें। और दोस्तों, अगर पेटीएम में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो या फिर अगर आपके माइंड में कोई डाउट हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं 100% आपको कमेंट का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। दोस्तों, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।